फ्रेंड्स, लाल बिरंदोगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल में। सो गाइस, माय नेम इज नीक एंड यू आर वाचिंग # ऑनलाइन जॉब न्यूज। सो गाइस, अगर आपको ऑनलाइन जॉब न्यूज के अगर कोई भी जॉब अगर ढूंढना हो तो गाइस आपको YouTube पे # ऑनलाइन जॉब न्यूज करके सर्च कर देना है ताकि ऑनलाइन वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। तो गाइस, आज भी काफी सारी वैकेंसीज के बारे में एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन अगर उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑनगोइंग वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को तो मैं फ्री में जॉब डिटेल्स के बारे में बताएंगे। सो गाइस, आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब्स आए, जस्ट लाइक आप सिटी से अगर किसी भी सिटी से अगर बिलोंग कर रहे हो तो जस्ट लाइक पुणे, मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, नागपुर, सभी के लिए गाइस सभी सिटी से ऑल ओवर महाराष्ट्र, इंडिया से गाइस जॉब्स लाने की मैंने कोशिश की है। लेकिन ऑल ओवर एक ही वीडियो में गाइस जितनी भी हो सके मैंने ये जो विदिन 8 to 10 days में आप लोगों को अप्लाई करना होता है गाइस। ये जून के 4th week की वैकेंसीज है। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड 8th pass 10th pass से लेकर किसी भी एजुकेशन किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो तो गाइस आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस वीडियो में बताया गया सभी जॉब्स 100% जेन्युइन प्रैक्टिकली होते हैं और रियल होते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको किसी को भी चार्जेस नहीं करना होता है। सो गाइस, आपको ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल का मोटिव ये था कि किसी वे टू अप्लाई, इजी वे टू अप्लाई मीन्स आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको ओनली घर बैठे आपका जो रिज्यूम होता है दिए गए ईमेल एड्रेस या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना होता है। सो गाइस, इसके काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इसके साथ आपका टाइम सेविंग हो जाता है, टाइम सेविंग होता है तो गाइस आपकी मनी भी सेविंग हो जाता है और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी एनर्जी सेविंग भी हो जाती है। सो गाइस, ये काफी सारे बेनिफिट्स है। जस्ट लाइक राइट वे में राइट डायरेक्शन में आपको कहाँ अप्लाई करना है ये मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा जॉब्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। सो दोस्तों, आपकी जो फर्स्ट वैकेंसी आ गई है जैसा भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये देखिए ऑल ओवर महाराष्ट्र से ये जॉब है। तो आपको किसी भी जॉब को अगर सर्च करना है तो गाइस आपको # ऑनलाइन जॉब न्यूज करके सर्च करना है या फिर आप मेरा नाम लेकर # नीक जॉब करके आप सर्च कर सकते हो या फिर आप # महाराष्ट्र जॉब करके भी सर्च कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन जॉब # ऑनलाइन जॉब करके भी सर्च कर सकते हो। ये काफी सारे ऑप्शन है आपको जॉब सर्च करने के। सो गाइस, जो फर्स्ट वैकेंसी आ गया जैसा आप देख पा रहे हो तो ये महाराष्ट्र नामक कंपनी के, तो जैसा आप देख पा रहे होगे गाइस यहाँ जो वैकेंसी है कौशल्य मान्यता के लिए आप देख सकते हो 170 पोस्ट है और यहाँ आपके जो लोकेशन है ये 34 जिले है गाइस, डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है और ये आपको इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपकी एज 45 के अंदर आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अप्लाई करने के लिए ये दी गई ईमेल वेबसाइट है गाइस, इस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको टोटली जानकारी इन्फॉर्मेशन फुल इस पर मिल जाएगी, फुल डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आप वहीं से आप पता लगा सकते हैं किस तरह से इस जॉब के लिए अप्लाई करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है जो ऐसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो गाइस यह अभी आपको स्क्रीन में जूम करके दिखा दिया गया। तो देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से गाइस यहाँ आप देख सकते हो रीजनल रिक्रूटर बैंक RRBS में जो अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है 1, 2 और 3 इस तरह से 3 grades को गाइस मल्टीपर्पज ये निकली है। तो गाइस ये आप टोटली पढ़ लीजिएगा। ये तो आपका इस पोस्ट के लिए गाइस आपको लिए अप्लाई करने की जो डेट चालू होती है 8/6 से ही चालू हो गई थी, लेकिन ये लास्ट डेट है इसकी जो 28/6 है, 28 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए आपको PET देना भी जरूरी है। इसकी जो एग्जाम होगी गाइस 2019-7 से लेकर मतलब जुलाई के बीच में 19 to 25 के बीच में। तो ये ऑनलाइन आप देख सकते हो अगस्त सेप्टेम्बर में इसकी एग्जाम्स होने वाली है। तो आपको और भी इसमें बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो गाइस आप www.ibps.com इस दिए गए एड्रेस पे आप जा सकते हो। तो गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी, तो इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है जलगांव की तरफ से, तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस, तो यहाँ जो गाइस सतपुड़ा ऑटोमोबाइल के तरफ से काफी सारी वैकेंसीज है। जस्ट लाइक देख सकते हो सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेलीमार्केटिंग, स्पेयर पार्ट, सीनियर अकाउंटेंट और मैकेनिक, इन सभी पोस्ट के लिए गाइस आप देख सकते हो यहाँ क्वालिफिकेशन दी गई है। जस्ट उसके बाद में जो गाइस आप ट्रैक्टर के डिवीजन में देखोगे ये 2-wheeler डिवीजन के होने के बाद में, तो यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एडवाइजर, मैकेनिक और हेल्पर के लिए गाइस जगह निकली है। यहाँ देख सकते हो ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, IIT 10th pass, इन सभी के लिए पोस्ट निकली है। तो गाइस अच्छा मौका है जलगांव के लोगों के लिए, अगर जलगांव के आसपास के लिए लोग रहते हैं, लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी हो तो कैसे भी कैंडिडेट हो तो इस ऑटोशिप डीलर का अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस अप्लाई करने के लिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो। तो गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है सेम सतपुड़ा ऑटोमोबाइल से ही आ रही है, लेकिन ये जो गाइस ये 4-wheeler के लिए या महिंद्रा के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हो फोर सेल्स मैनेजर, सेल्स टीम लीडर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेली मार्केटिंग, स्पेयर पार्ट, सर्विस मैनेजमेंट, मैकेनिकल हेल्पर। साथ ही साथ नीचे गाइस हैवी व्हीकल्स के लिए भी पोस्ट है, वर्क मैनेजर, स्पेयर पार्ट, सीनियर मैनेजर। तो इसमें भी अगर आप दिए गए पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो गाइस, तो आपको यह ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो हीरो मोटर पर @automobile.com, तो इसलिए आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना। सो इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आप देख सकते हो 5th number की वैकेंसी, ये भी गाइस जलगांव की तरफ से। तो गाइस ये ब्लू जिम की तरफ से गाइस ब्लू जिम गोल्डन इनोवेशन की कंपनी की तरफ से गाइस वैकेंसी आई है। जैसा आप देख सकते हो
या जो वैकेंसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 3 वैकेंसीज है, अगर आप जलगांव दिल्ली नंदुरबार अकोला से अगर बिलोंग करते हो तो गाइस साथ ही साथ असिस्टेंट बैंक ऑफिस के लिए, बैंक ऑफिस के लिए भी जगह निकली है, साथ ही साथ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर के लिए भी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी अगर आपने बीटेक इन पेंट कंस्ट्रक्शन में अगर किया है तो गाइस दिए गए सभी वैकेंसीज में अगर आप इंटरेस्ट किसी भी वैकेंसी के लिए आप इंटरेस्ट रखते हो तो गाइस आपको अपना जो रिज्यूम होता है गाइस ये आपका जो रिज्यूम होता है गाइस सेंड कर देना है या info@newgym@gmail.com पे या फिर आप इसको वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है आपकी 6 नंबर की वैकेंसी या आप जैसा आप देख सकते हो हिल लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से आपको देखने रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो कंपनी आप देख सकते हो मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बिलोंग करती है। इनकी जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ केयर फार्मा प्रोडक्ट्स के और इसमें सर्विस देती है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो आप यहाँ जो पोजीशंस के लिए निकली है जो परमानेंट पोजीशन के लिए निकली है जस्ट लाइक ड्यूटी मैनेजर के लिए इन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए परमानेंट के लिए पोस्ट है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप देख सकते हो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोजेक्ट मैनेजर डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निकल लैब टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और हेल्थ सेलिंग कोऑर्डिनेटर इन सभी के लिए पोस्ट निकली है। ये अगर आपको इन सभी दिए गए पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो गाइस आपको जाना है आपको www.lifecare.com इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है, इनके करियर सेक्शन में आपको जाना है और गाइस वहां जाके आपको अप्लाई करना है। वहां जाने के बाद आपको टोटली डिटेल्स मिल ही जाएगी और गाइस एक चीज का ध्यान रखिए इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 30 जून की होने वाली है। तो इसके पहले पहले आपको अप्लाई करना है। जो भी बैकवर्ड कैंडिडेट्स है लाइक ST ST OBC PWD तो इनको एक एज रिलैक्सेशन मिलता है गाइस एज पर गवर्नमेंट रूल। साथ ही साथ यहाँ पे और भी वैकेंसी है जैसा आप नीचे अगर देखोगे तो पोजीशन फॉर प्रोफेशनल कंसल्टेंट बेसिस पे तो यहाँ पे कंसल्टेंट पैथोलॉजी आप देख सकते हो मेडिकल ऑफिसर या दिए गए। तो यहाँ इन दिए गए पोस्ट में से भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पे जाना, इस वेबसाइट पे आपको रिज्यूम सेंड कर देना है hsmumbai@lifecare.com इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे आपको रिज्यूम सेंड करना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 36 से पहले पहले है। तो ये जो जॉब्स आपके लोकेशन होने वाले हैं केरला पे होने वाला है इनका जो ऑफिस है। तो गाइस एक चीज का ध्यान रखिए ऊपर दिए गए ये जो वैकेंसी है इसके लिए गाइस आपको इस ईमेल एड्रेस वेबसाइट पर जाना है और ये जो पोजीशन है अगर ये जो कंसल्टेंट बेसिस पे तो इसके लिए गाइस आपको डायरेक्टली आपको रिज्यूम इस ये दिए गए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर देना है। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आपकी 7 नंबर की वैकेंसी जैसा आप देख पा रहे होगे तो ये कोल्हापुर से है। तो गाइस ये एल्यूमिनियम फेशियल डाई कास्टिंग ऑपरेटर को यहाँ जरूरत है। अगर आप 2 to 3 years का अगर एक्सपीरियंस है तो गाइस आपको एक अच्छी सैलरी दी जाएगी। आपको यहाँ एड्रेस देख लीजिएगा, अगर आप एड्रेस गूगल पे डालोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। गाइस ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वैकेंसी के बारे में अगर आपको अप्लाई करना है। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है 1 नंबर की वैकेंसी यहाँ आप देख सकते हैं त्रिवेणी आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। तो गाइस यहाँ काफी सारे पोस्ट निकली है तो जैसा भी आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस तो आप देख सकते हो त्रिवेणी अर्थमोस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से गाइस गढ़चिरौली जिला में आता है। तो गाइस ये देख सकते हो आप ये माइनिंग डेवलपर ऑपरेटर की इनकी कंपनी है जो जो गाइस इनके जो प्रोडक्शन होता है जैसा आप देख सकते हो लोहा खनिज आर्य खनिज तांबे कोलसा बैकसाइड तो इन सभी ये काम किया जाता है इनके यहाँ पे। तो गाइस यहाँ जो पोस्ट निकली हुई है जैसा आप देख सकते हो काफी सारे पोस्ट है तो गाइस उन्होंने पहले ही नोट कर दिया है गाइस देख सकते हैं ये ओनली महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स ही ढूंढ रहे हैं जो जो एक स्किलफुल स्किलफुल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जिनको फिर आपको कंपनी के तरफ से ही रहने का खाने का आपकी मतलब रहने का खाने का इंतजाम किया जाएगा और आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी। सो यहाँ आप देख सकते हो पोस्ट जो फर्स्ट पोस्ट है माइनिंग परफॉर्मेंस माइनिंग मेट एवरेस्ट ऑपरेटर लोड ऑपरेटर वॉल ऑपरेटर जेजर ऑपरेटर ग्रेज ऑपरेटर तो यह सामने में इनके पोस्ट है। जैसा आप देख सकते हो वॉल्स ऑपरेटर के लिए 50 पोस्ट निकली हुई है। जैसा आप देख सकते हो ड्रिलर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है। तो इस मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो 8 पोस्ट है। साथ ही साथ मैकेनिक फॉर्मर के लिए 10 पोस्ट है। तो इस ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है। ये सभी दिए गए जितने भी पोस्ट है तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो गाइस आपको करना क्या है आपका जो रिज्यूम होता है गाइस ये career@trivani.com पे आपको भेज देना है या फिर आप दिए गए इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी आप दिए गए पोस्ट के लिए बारे में पूछ सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है अपनी जो 9 नंबर की वैकेंसी है जो ऑल ओवर इंडिया के जॉब्स के बारे में अपन जान रहे हैं। तो गाइस ये जो है SBI की तरफ से जैसा आपको पता ही होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ भी जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ आप देख सकते हो व्यवस्था जॉब फैमिली एंड सिलेक्शन प्लानिंग के लिए जो पोस्ट के लिए निकली थी और एक अभियंता के पोस्ट के लिए दोनों पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी इसके लिए जो अप्लाई करने की जो वेबसाइट थी आप ये अब देख सकते हो इस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। तो गाइस ये चेंज होकर अभी ये हो गई है आप देख सकते हो stv.sbi.co.in पे तो इस पे जाना है। और गाइस आपके अगर आपने पहले से इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको दोबारा पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है गाइस 15 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 होने वाली है। तो गाइस जल्दी कीजिएगा 28 के पहले पहले दिए गए पोस्ट ये वेबसाइट पे जाके आप करियर सेक्शन में जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है गाइस आपकी 10 नंबर की वैकेंसी जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये जो वैकेंसी चाहिए इसका जो लोकेशन ये जो जॉब है ट्रेनिंग सीपेट में तो देख सकते हो ये मेन कैंडिडेट इसके लिए भी
क्वालिफिकेशन रखा है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेस टेस्टिंग में अगर आपने किया हुआ है आपको 3-6 months से ज्यादा अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो ऑफिसर के लिए है और एग्जीक्यूटिव स्टोर के लिए भी है। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है साथ ही साथ प्लस एमएससी आई किया और आपको एक अच्छा नॉलेज है एक्सेल का और 5-6 ईयर का एक्सपीरियंस आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो लॉग लोकेशन होने वाला है वो सतपुर और नासिक के लिए होने वाला है। तो आज आपको जो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपको रिज्यूम सेंड कर देना या फिर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो वाइज इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी 11 नंबर की वैकेंसी जैसा आप देख सकते हो ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आपकी जो 12 नंबर की वैकेंसी जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे तो ये बेलबोम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो बेलबोम ये कंपनी है ये पुणे से आया गाइस तो आपको ध्यान रखना चाहिए फास्टेस्ट ग्रोइंग ये देख सकते हो डर्मेटोलॉजी कंपनी स्किन केयर की कंपनी है ये बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है जस्ट गायनेकोलॉजिकल विद एग्जीक्यूटिव। यहाँ जो वैकेंसी इसका जो तो गाइस ये पुणे के लिए जॉब है तो गाइस इसका जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है अगर आपने बी फार्म एम फार्म एम फार्मेसी डी फार्मेसी ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट एमबीए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो या फिर अपने फील्ड एग्जीक्यूटिव 1-2 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है ये सभी क्वालिफिकेशन किसी भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और आपकी एज 30 के बिलो है अगर 30 एज के बिलो अगर आप आते हो तो जो भी गाइस प्रीफर जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मेल कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा क्योंकि सेलिंग का जॉब है गाइस। यहाँ पे जो पैकेज मिलेगा आपको जो सैलरी मिलेगी 13,000 से स्टार्टिंग है गाइस तो 13,000-16,000 तक के वो डिपेंड आपके इंटरव्यू पे किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपको अलाउंस मिलेंगे साथ ही आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड जो भी आपको बोनस इंटेंसिव के तौर पे मिलेगा। तो जो भी इंडस्ट्री कैंडिडेट रखते हो तो गाइस आपको इस दिए गए मेल एड्रेस पे आपको ये आपका जो रिज्यूम है वो आपको सेंड कर देना जो bellbomb@gmail.com पे या फिर आप ये इस नंबर पे कॉल करके भी आपके लिए पूछ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आपकी 13 नंबर की जो नेक्स्ट वैकेंसी अपनी आ रही है आप देख सकते हो 14 नंबर की वैकेंसी और आपकी लास्ट वैकेंसी है ये जो वैकेंसी आ रही है ये पुणे की तरफ से आ रही है ये आप देख सकते हो भारतीय विद्यापीठ की तरफ से तो ये डीम यूनिवर्सिटी है जैसा आप देख सकते हो भारतीय हॉस्पिटल में आ रही है या फिर ये एक मेडिकल कॉलेज है भारतीय मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल सांगली। तो बस ये वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे चालू है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पोस्ट एमएससी स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आई है जैसा आप देख सकते हो इन्होंने क्वालिफिकेशन सामने मांगा है साथ ही साथ बीपीसीएस स्टाफ नर्स के लिए निकल गया और बीएससी स्टाफ नर्स के लिए और जीएनएम के लिए सभी के लिए दो फ्रेशर्स कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट निकल गया देख सकते हो जैसा एमएससी के लिए 10 पोस्ट है और साथ ही जीएनएम स्टाफ के लिए 50 पोस्ट है यहाँ पे तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है गाइस तो इसको करना कि आपका जो रिज्यूम होता है साथ ही साथ आपके जो रिज्यूम के साथ आपकी जो फोटो कॉपीज है वो आपको लेके चले जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए। तो ये 21 जून से आपके इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे 21 से लेकर 25 के बीच में तो आप दिए गए डेट में से किसी भी डेट को आप जा सकते हो सुबह 9:30 बजे से मॉर्निंग 9:30 से लेकर 11 AM तक के। तो ये आपको ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आपको चले जाना है। तो अगर आप इस एड्रेस को अगर गूगल मैप पे डालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ तो यूनो ऑफ इंटरव्यू द ऑफिस ऑफ रीजनल डिस्ट्रिक्ट भारती हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर मिराज रोड वैंगलेस वाड़ी सांगली। सो गाइस अगर आप सांगली के आसपास से हो या फिर पुणे के आसपास से हो अच्छा मौका है अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो तो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए वैकेंसीज के साथ नए वीडियो में अंटिल देन अभी तक क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट को अगर जाते हो जो जेन्युइनली जॉब ढूंढ रहा है तो गाइस उसके साथ लिंक जरूर शेयर कीजिएगा या फिर उसको अपने अपने इस चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उस कैंडिडेट की गाइस जॉब मिलने में हेल्प हो सके और जल्दी से जल्दी उसको जॉब मिल जाए। सो गाइस ये हेल्पिंग तौर पर मैंने इस चैनल को शुरुआत की थी। सो स्टे सेफ स्टे होम बी फोकस्ड थैंक यू। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा दीजिए इन्फॉर्मेशन।